मैं बोलूँगा जोश है, सब क्या बोलोगे 30 साल के बाद में आप मेरी जगह पे यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, ओके, मैंने से पढ़ना स्पेशली जो ये हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये हमने बड़े ये चीज़ समझा है कि जब औरतें एम्पावर होंगी और इंडिपेंडेंट होना शुरू करेंगी तो उनका परिवार भी सुखी रह सकेगा। और आजकल काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ जहाँ पे हमारा पॉसिबल हो सकता है हम उसको सप्लीमेंट करते हैं ताकि जो लेडीज़ हैं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हासिल करके अपना फ्यूचर बना सके और इंडिपेंडेंट हो सके। मैं ऑल ओवर कश्मीर को ये बताऊँ कि कुपवाड़ा से सीख लें, नॉर्थ कश्मीर से सीख लें, जिन्होंने मिलिटेंसी का सबसे खतरनाक दौर देखा था। ये दर्दपुरा आपके सामने एक एग्जांपल है, जो जब एक उसका परिवार के अंदर जब लेडीज़ विडो हो जाती हैं या कोई घर में मेल मेंबर नहीं होता है तो उनकी हालत जो है अच्छी नहीं होती है। आपको इनसे सीखना है बिकॉज कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी रही, सबसे ज़्यादा लोग का नुकसान कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा है और वो लोग समझ गए हैं कि इसके अंदर उनका नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है और उनका इस्तेमाल किया गया। यही बात जो है बाकी जहाँ जहाँ पे भी यूथ है जिसने हथियार उठाया है या कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, बाकी दुनिया में देखो, देश में, वर्ल्ड को देखो, लोग आगे से आगे चल रहे हैं, आपको भी आगे चलने का मौका मिला है। वापस आओ, मेन स्ट्रीम में आओ, अच्छे सिटीजन बनो, नागरिक बनो और देश की सेवा करो, कौम की सेवा। जी हाँ हाँ, बिल्कुल इजाफा कहाँ हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, जी हाँ, रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर कम हो गई है, इस साल और भी कम हो गई है। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से पूरी इनिशिएटिव चल रही है, खासतौर से आप लोग मीडिया और सोसाइटी को ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग बोलना शुरू करोगे, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखोगे, बच्चों को टेररिस्ट के रास्ते बनने से निकालोगे, तो मुझे यकीन है कि जो एक खुशहाली का समय जो काफ़ी दिनों से कश्मीर में नहीं रहा है वो वापस आ जाएगा लोगों के ऊपर के पास में। आज हम जैन शिक्षण संस्थान के